नमस्कार दोस्तों, एसएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, आपको बेहतर बुक मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कि आप कौन सी बुक लेकर के पढ़ाई करें। पढ़ाई अगर आप शुरुआत करनी है, अभी काफी ज्यादा समय है आपके पास, 5-6 से 6 महीने 7 महीने अलग अलग एग्जाम के लिए इस तरह से बाकी है, तो आप कौन सी बुक का चुनाव करें। बिकॉज बेस्ट, अगर आप सबसे अच्छी बुक का चुनाव कर लेते हैं तो ढेर सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और बहुत सारी बुक्स पढ़ करके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, हमें वो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। हमें क्या करना है, कुछ सेलेक्टेड बुक्स को पढ़ना है, कुछ सेलेक्टेड नोट्स को पढ़ना है, कुछ सेलेक्टेड यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना है, ताकि दिमाग में कोई भ्रम ना हो और हमारा गोल क्लियर हो। हमें क्या पढ़ना है ये क्लियर हो, और क्या नहीं पढ़ना है ये क्लियर हो। ये बहुत जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश की, फिर बात करते हैं जीएस की, और जीएस में मैं बात करूंगा स्टेटिक जीके की। मैं एक बुक बताऊंगा आपको, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश में आपके पास एक बुक तो होनी चाहिए और वो है प्लेन टू पैरामाउंट की, जो हमने कई बार अपनी वीडियो में बताया है, ठीक है। ये हो गई आपकी ग्रामर की बुक। वोकैबुलरी की बुक आपके पास ब्लैक बुक होनी चाहिए, जिसे हर टॉपर ने सजेस्ट किया है, ठीक है, जिसे हर टॉपर ने अपने स्टडी मटेरियल में उसे रखा है, उसे उसी से पढ़ाई की है। उसका रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जो कि एसएससी बार बार अपने एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही दोहराती रहती है, इंग्लिश के पक्ष में अगर देखा जाए, इंग्लिश के संदर्भ में अगर देखा जाए, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं प्लेन टू पैरामाउंट, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ पिनाकल बुक की। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए भी तो कोई बुक लेंगे, तो वो बुक आप ले लीजिएगा पिनाकल पब्लिकेशन की, या एमबी पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं, ठीक है, या किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इन तीनों बुक में से कोई एक बुक ले लीजिएगा। जो एमबी पब्लिकेशन की बुक है उसमें पेपर सेट वाइज दिया गया है, जैसे पेपर आता है हूबहू वैसे ही एक सेट बना सेट दे दिया गया है, जबकि पिनाकल में एरर के क्वेश्चन अलग किए गए हैं, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन अलग दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स अलग दिए गए हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, ठीक है। पहले आप पिनाकल ले सकते हैं, चैप्टर वाइज एरर की अलग प्रैक्टिस कर लीजिए, मिक्स एरर की अलग प्रैक्टिस कर लीजिए, मिक्स इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस कर लीजिए। बाद में आप 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप एक सेट फॉर्मेट में चाहे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं या एमबी पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर डेली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पेपर एक ऐसी चीज है, बहुत लोग इसे अवॉइड कर देते हैं, हटाओ छोड़ो जाने दो, क्या मतलब है न्यूज़पेपर का, हम एरर तो लगा रहे हैं, इंप्रूवमेंट तो लगा रहे हैं, नहीं। आप न्यूज़पेपर पे न्यूज़पेपर पढ़िए, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां से आपके काफी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। खुद ब खुद इंग्लिश आपकी इंग्लिश में समझ डेवलप होगी, कंप्रेहेंशन पावर मजबूत होगी, और जैसे ही आपकी इंग्लिश के प्रति समझ डेवलप हो गई, ठीक तभी से आप इंग्लिश के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात हम करते हैं जीएस की, और जीएस में रामबाण बुक जो है वो है लूसेंट। जीएस में आप लूसेंट की बुक ले लीजिए, और लूसेंट वो जो सब्जेक्टिव लूसेंट आती है पतली वाली, उसे लीजिएगा और उसे अभी पढ़िए। कम से कम 4 से 5 बार लूसेंट खत्म कर दीजिए, ये टारगेट बनाइए कि 1 महीने में वो पूरा लूसेंट पढ़ना है, हमें सरसरी निगाह से उसे पढ़ना है। 4 बार 5 बार पढ़ोगे तब जा करके याद होना स्टार्ट होगा भाई, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर के लिए पिनाकल की बुक ले लीजिए। पिनाकल इसके लिए भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग सेक्शन डिवाइड है, तो मैं अगर सजेस्ट करूं आपको पिनाकल या किरण पब्लिकेशन की बुक जीएस के लिए आप ले लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए, ठीक है। दूसरी बात स्टेटिक जीके के लिए, स्टेटिक जीके के लिए नियॉन पब्लिकेशन की गॉडफादर आई है, ठीक है, आप सर्च कीजिएगा नियॉन पब्लिकेशन की गॉडफादर, हमारे थंबनेल पे भी दिख रहा होगा, उसे आप ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसे यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल है, सर्च कीजिएगा, वहां से आप नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा ट्रिकी स्टडी यूट्यूब चैनल है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं और वहां से भी आप नोट बना सकते हैं। दोनों में से आप देख लीजिएगा कि कौन से किसकी आपको लैंग्वेज ज्यादा समझ में आ रही है, दोनों ही बेस्ट चैनल है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, राकेश यादव सर की बुक ले सकते हैं, या आप पीयूष सर की बुक, कैरियर व्हील वाले पीयूष सर ने एक बुक लॉन्च की है, उसे आप ले सकते हैं। बुक काफी अच्छी है, ये तीनों आपको बढ़िया मार्गदर्शन देंगी। फालतू की बुक्स लेने से अच्छा है आप कुछ सेलेक्टेड बुक्स लें और उसी को पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स का आप कोई कोर्स तो परचेज कर ही लीजिए, साथ ही साथ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुक ले लीजिए। बाकी आपके पास कई यूट्यूब चैनल है जो फ्री में कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो अभिनव सर हो, है ना, अभिनय मैथ्स, चाहे और भी यूट्यूबर्स हैं, और भी टीचर्स हैं जो आपको फ्री में सारे कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर आप किसी भी टीचर का, चाहे गगन प्रताप सर हो या आदित्य रंजन सर हो, किसी का भी आप एक पेड कोर्स अगर आ रहा है तो उनका पेड कोर्स ले लीजिए और उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और प्लस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तुरंत किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की मैथ की बुक आती है, वहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा,
कि टीचर जो पढ़ाया, सपोज आज परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कराया गया, तो वो परसेंटेज के सारे क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए, के कॉन्सेप्ट आपने के क्लियर हो गए हैं, ठीक उसी दिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा डालिए। ठीक उसी दिन लगाना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक उसी दिन लगाते हैं तो माइंड में चीजें बनी रह जाती हैं सेम टाइम में। आप ये मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर तब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा आप कभी मत कीजिए। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, सब में आपको यही करना है। कोई टीचर आपको पढ़ाया, अच्छा ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे लगा डालिए, ठीक है। जो भी दिक्कत हो आप अपने ऑफलाइन टीचर से पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी आप पूछ सकते हैं, जैसा भी है उस तरीके से पूछना स्टार्ट कीजिए। आपके डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे और आपकी उस सब्जेक्ट पर पकड़ जो है वो मजबूत होती चली जाएगी। तो मैंने इन चारों सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि सिलेबस भी डिस्कस हो जाए, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे स्टेनोग्राफर का हो, तो वो भी आप बताइएगा, मैं उसके सिलेबस को डिस्कस कर दूंगा। दूसरी बात, मैं इस वीडियो में एक और बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप ये चाहते हैं कि डेली जो है वो टाइम टेबल मैं पहले प्रोवाइड करा रहा था, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि डेली टाइम टेबल इन चारों सब्जेक्ट्स पर, चाहे वो एसएससी सीजीएल के लोग हों, चाहे स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हों, चाहे एमटीएस की तैयारी कर रहे हों, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों और आप ये चाहते हैं कि डेली का टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कराया जाए, तो एक बार कमेंट करके, आप लोगों ने काफी मात्रा में बताया, काफी लोगों ने बताया कि सर टाइम टेबल प्रोवाइड कीजिए, टाइम टेबल प्रोवाइड कीजिए, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं टाइम टेबल आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, जैसे ही सारी चीजें तैयार हो जाएंगी मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, बट मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग एग्री हैं, अगर टाइम टेबल प्रोवाइड होता है तो आप लोग फॉलो करेंगे या नहीं, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। बुक मैंने बता दी है, उसी बुक से आपको पढ़ना है, ज्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं है, ढेर सारी बुक कलेक्ट कर करके और आप उसे पढ़े ना या उसे आप रिवाइज ना कर पाए, इससे अच्छा है कि कम बुक रहे और उसे आप बार बार पढ़ें, ठीक है, क्योंकि रिविजन करेंगे आप तो ज्यादा बेहतर तरीके से। एक ही बुक को चार बार पढ़ना ज्यादा सही है, अलग अलग बुक को पढ़ना और फिर उसे रिवाइज ना कर पाना काफी ज्यादा खतरनाक है। तो आप इन बुक को ले सकते हैं, इन बुक से, इन सारी बुक से आप अपनी तैयारी अभी से शुरुआत कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर मार्क्स ला पाएं और आपका सिलेक्शन भी हो पाए। थैंक यू सो मच।